वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर नाइन, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर नाइन, क्या नाम है उसका? फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, ठीक है। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बल किसे कहते हैं, तो बल भी आपको पता है कि किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु को या तो हम खींचते हैं या धकेलते हैं या उसको दबाते हैं या उसको ऐसे करके खींचते हैं। भाई देखिए, या तो किसी वस्तु को क्या करेंगे, हम खींचेंगे या उसको दबाएंगे या उसको धक्का देंगे। तो यदि ये तीनों काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कि आप उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं। क्लियर हुआ कि बल किसे कहते हैं? तो बल की परिभाषा लिखिएगा, किसी वस्तु को खींचना, धकेलना या उसको दबाना उस वस्तु पर बल कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? फोर्स, ठीक है। लिखिएगा, टू पुल और टू पुल और पुश और कंप्रेस एनी ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज फोर्स। किसी वस्तु को पुल करना, पुश करना, उसको कंप्रेस करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। क्लियर है। एक चीज और होती है कि इसे कि किस अगली हेड इसी में डिफिनीशन और होती है कि किसी वस्तु की आकार, आकृति या अवस्था में अवस्था परिवर्तन के लिए उस वस्तु पर जो कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। या तो वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन कर देगा या उसको परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, या इन सब में परिवर्तन का प्रयास करेगा, प्रयास करेगा। इंग्लिश में लिखिएगा, द इफेक्ट
अ फोर्स ऑन एनी बॉडी इज डूइंग चेंज इन इट्स शेप एंड साइज और ट्राइंग टू डू सो। ठीक है, जैसे कि अब जैसे आकार में परिवर्तन का, जैसे आपने क्या किया, एक रबड़ लिया, उस रबड़ को आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो आप उस पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। कैसे पता चला कि आप उस पर बल लगा रहे हैं, यदि आपने रबड़ को खींचा है तो रबड़ क्या होगी, उसका एक सिरा लंबा होगा, दूसरा सिरा भी क्या होगा, लंबा होगा, और इनको आपस में क्या करेंगे, यही आपस में यदि उनकी आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। भाई देखो यहां से देखना कि जैसे ये मान के चलो कि ये आपकी क्या है, कोई रबड़ है, ये क्या है, कोई रबड़ है, इधर से आपने एक बल्ब पी लगाया, इधर से आपने एक बल्ब पी लगाया, तो इधर से क्या होगा कि रबड़ इधर से आपकी तनती हुई, कुछ रबड़ की जो लंबाई हो जाएगी वो क्लियरली कुछ इतनी हो जाएगी, तो रबड़ की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसकी आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, आकार में परिवर्तन यानी कि साइज में परिवर्तन हुआ, तो यह परिवर्तन किसके कारण हुआ है, यह परिवर्तन बल के कारण हुआ है, इस वजह से कि किसी भी पदार्थ की आकृति, आकार या अवस्था में परिवर्तन जब होता है तो ऐसे कारक जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं उनको क्या कहते हैं, बल कहते हैं, क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी बॉडी इज डूइंग चेंज इन इट्स शेप एंड साइज आर ट्राइंग टू डू सो, या उसको ऐसा करने का प्रयास करता है। जैसे एक एग्जाम्पल प्रयास कर देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये आपका व्हाइट बोर्ड है, पीछे क्या है, इसके पीछे दीवार है, तो अब मैं इसको धक्का तो दे रहा हूं, लेकिन क्या ये ऐसे पीछे जा रही है दीवार, नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी मैं बल लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये क्या, मैं इसको कैसा करने का, इसको धकेलने का मैं प्रयास कर रहा हूं, वही लिखा हुआ है कि इन सब में परिवर्तन का प्रयास करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी तरीके से क्या है, ट्राइंग टू डू सो। ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है, नोट करो आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे चलते हैं, तो देखिएगा आप क्या देखिएगा कि यहां से यदि मान के चलो कि ये आपका कोई एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है, यह टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा मान लो, क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, इस लकड़ी के टुकड़े को आप क्या कर रहे हैं कि इधर से आप बल लगा रहे हैं, इधर से बल क्या लगा रहे हैं, इधर से आप बल लगा रहे हैं, मान के चलो कि आपने कितना बल लगाया है, पी बल लगाया है, कितना बल लगाया है, पी बल, तो ये गुटका क्या करने लगेगा, इस समतल पर यह टुकड़ा क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो ये टुकड़ा यदि अभी टी बराबर 0 सेकंड में यहां पर है तो टी बराबर 4 सेकंड में कहां पर आ जाएगा, ये क्लियरली आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर 4 सेकंड पर ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी किसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये पहले यहां पर था तो अब कहां पर आ गया, यहां पर, यानी कि अब आपको एक चीज और समझ में आई कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, यदि आप किसी वस्तु पर क्या लगाते हो, बल लगाते हो, तो क्या हो जाता है, वह वस्तु जो है गतिमान हो सकती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि वह वस्तु आपकी मोशन करने लगी है, यदि किसी वस्तु पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वह वस्तु क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, एक चीज और कि यदि आपने मान के चलो कि यही लकड़ी का ब्लॉक लिया फिर से, ठीक है, जब आपने लकड़ी का ब्लॉक ले लिया, अब यहां से आप पी न्यूटन का बल लगा रहे हो और इधर से भी आप पी न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो अब क्या होगा, अब क्या यह ब्लॉक मोशन करेगा, नहीं करेगा। रीजन
कि जितना बल आप इधर से लगा रहे हो उतना ही बल इधर से लगा रहा, तो ये तो क्या हो गया, बीच में ऐसे ही रुका हुआ रहेगा, तो यहां पर कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन क्या ये दोनों मोशन करने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, ये बल, ये बल और यह जो बल है, ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को चलायमान करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों क्या हो जा रहे हैं, अपोजिट हैं। ये एक, ये इस तरफ, इस डायरेक्शन में इसको गति प्रदान करेगा, मोशन मोशन देगा, तो दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में आपका क्या देगा, मोशन देगा। इस वजह से यह आपका मोशन नहीं करेगा। तो यहां पर तो आपका मोशन हो रहा है, यहां पर गति हो रही है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, जबकि यहां पर आपका ब्लॉक जो है मोशन नहीं करेगा, नॉट डूइंग मोशन, गति नहीं होगी, गति नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रहा, अब देखो, अब बल बराबर किसे कहते हैं? देखो, बल बराबर आपने पढ़ा था क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये आप कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, यानी कि बल फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो फोर्स होता है, मास को हम किससे दिखाते हैं, एम से, एक्सीलरेशन को ए से, स्मॉल ए से। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। अब यदि इसकी मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट मतलब मात्रक की बात करूं, किसकी बात करूंगा भैया, मात्रक की, तो थोड़ा ध्यान से कान खोलकर, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, यदि आप किसी का द्रव्यमान बताते हो तो किस में बताते हो, केजी में, किलोग्राम में बताते हो, तो यहां से द्रव्यमान का, तो यहां से यदि मैं बल की यूनिट है लिख रहा हूं, तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण क्या होता है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन, या एक तरीके से कह लो, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्र क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड, और फिर क्योंकि उसके परिवर्तन की दर है, यानी कि और बटा सेकेंड लगे, तो क्या हो जाएगा, त्वरण की मात्र जो हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी यूनिट को, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, न्यूटन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बल की अधिकतर मात्रा क्या लिखी रहती है, न्यूटन, क्या लिखी रहती है, न्यूटन। ठीक है, छाप लो। अब देखिए, आपके जो सिलेबस में है वो कितने टाइप के बल हैं, दो टाइप के, कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक आपके जो बल हैं, एक संतुलित बल है और एक असंतुलित बल, एक आपका कैसा है, संतुलित बल, और एक आपका है असंतुलित बल। ठीक है, यानी कि आपका बैलेंस्ड फोर्स और इनबैलेंस्ड फोर्स। तो हेडिंग लगाइएगा, बल के प्रकार, बल के प्रकार। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, पहला है आपका, पहला है आपका संतुलित बल, कैसा है, संतुलित बल। इसका पहले ध्यान से समझो कि ये संतुलित बल क्या है, संतुलित बल का मतलब क्या होता है, संतुलित बल का मतलब है कि किसी वस्तु पर यदि कुल बल, किसी वस्तु पर कुल बल यदि आपको क्या लग रहा हो, शून्य लग रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल। किसी वस्तु पर यदि कोई कुल बल जो है आपका शून्य लग रहा हो, तो उस वस्तु पर वह क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। संतुलित बल का मतलब यह भी है कि आप जितना फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हो, उतना ही फोर्स यदि आपके सामने से लगाए, भाई इतना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं, कितना भी फोर्स आप सामने से लगाओ, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा,
संतुलित बल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से जितना फोर्स लग रहा होगा और यहां से मैं जितना लगा रहा हूं, यदि वो दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या है, वो संतुलित बल है। ठीक है, और ऊपर से किसमें है, विपरीत दिशा में है। किसमें है, विपरीत दिशा में। तो लिखिएगा, यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो, कुल बल क्या हो, शून्य हो, तथा या वस्तु पर, या वस्तु किसी प्रकार की गति ना करे, ना कर रही हो, ऐसे बलों को, ऐसे ना कर रही हो, ऐसे बलों को, बलों को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। यह बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तथा परिमाण में समान होते हैं, समान होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर इंग्लिश के लिए है टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यहां से देखो कि ये क्या है, ये क्लियरली, चलो मैं इसको पहले इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी which is, which are opposite in direction, opposite in direction and same in the magnitude, magnitude and because of these forces, because of these forces body will not move, will not move or not move, this type of force, this type of force is known as balanced force, balanced force। क्या लिखा हुआ, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, व्हिच आर अपोजिट इन डायरेक्शन, वो जो दिशाओं में क्या हो, विपरीत हो, एंड सेम इन द मैग्नीट्यूड, और उनका परिमाण क्या हो, सेम हो।
एंड बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस बॉडी विल नॉट मूव, इन बलों के कारण बॉडी क्या करे, मूव ना कर पाए, ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा था, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि ये रहा है एक कोई आपका ब्लॉक है, ठीक है, इधर से मान के चलो कि आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, कितने का बल लगाया, 5 न्यूटन का, और इधर से भी आपने कितने का लगा दिया, 5 न्यूटन का बल लगा दिया, तो यह बॉडी अब आपकी मोशन नहीं करेगी, यह बॉडी मूव नहीं करेगा, तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं, और यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, यह बॉडी क्यों नहीं मूव कर रही है, क्योंकि यहां पर कुल बल आपका कितना हुआ जा रहा है, 0 हुआ जा रहा है। क्यों, कैसे 0 हो रहा है, क्योंकि देखो बल जो है वो आपकी कैसी है, सदिश राशि है, कैसी है, सदिश राशि है, आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि ये इस डायरेक्शन में है, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, उधर से आप इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, दोनों बराबर हैं, तो इस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो ये हम एफ नेट निकाले परिणामी बल, तो कितना हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये मान के चलो कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, माइनस एक्स डायरेक्शन में कितना है, 5 न्यूटन, तो 5 माइनस का 5, अच्छा माइनस क्योंकि ये है, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा क्या है, अपोजिट है, इस वजह से ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 न्यूटन। तो यही आपका लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर कुल बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि नेट फोर्स क्या हो, यदि आपका 0 हो, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, उस वस्तु पर फिर चाहे जितने भी बल लगा दो, यदि किसी वस्तु पर कुल बल आपका क्या है, 0 है, और उस पर चाहे जितने भी बल लगे हो, तो वह क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन बलों के कारण वस्तु जो है गति नहीं कर रही है। छापो, चलिए अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, दूसरा है असंतुलित बल। असंतुलित बल लिखिएगा, यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल 0 ना हो, अर्थात वस्तु पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत ना हो, तो ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं, ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं, ठीक है। कि यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल का मतलब क्या है, आपका कुल बल, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो, 0 ना हो, परिणामी बल 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि यदि आप मान के चलो कि इस डायरेक्शन में आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो उस डायरेक्शन से आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो 4 न्यूटन तो क्या हो गया, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो 1 न्यूटन जो बचेगा, जो 1 न्यूटन भाई इधर से 4 लग रहा है, उधर से 5 लग रहा है, तो भाई आप 4 ही ना कैंसिल कर पाओगे, तो उधर से क्या होगा कि आपके पास 1 न्यूटन बचा। अब आप उस 1 न्यूटन को क्या करोगे, वो 1 न्यूटन क्या करेगा, इस वस्तु को गति कराने के लिए सफिशियंट है, उस वस्तु को क्या करा देगा, गति करा देगा। तो और यहां पर लिखिएगा, इसके कारण वस्तु
गति करने लगती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में देखो इसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस बॉडी विल मूव। बॉडी क्या करेगी? गति करेगी, बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल मूव। जैसे देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। देखो जैसे ये आपका क्या रहा है, एक ब्लॉक रहा, ठीक है। इधर से आपने क्या किया, मान के चलो कि 5 न्यूटन का बल लगाया। कितने का लगाया? 5 न्यूटन का। इधर से मैं क्या कर रहा हूं, 3 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। कितने न्यूटन का? 3 न्यूटन का। तो यहां से देखो तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 5 न्यूटन प्लस एक्स डायरेक्शन में कितना है, 5 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन में कितना है, 3 न्यूटन। तो माइनस का 3 न्यूटन, तो यहां से कितना आ गया, 2 न्यूटन बचा। अभी तक क्या है यहां पर, नेट फोर्स क्या है, जीरो नहीं है। नेट फोर्स जो है जीरो नहीं है, ये एन क्या दिखा रहा है, न्यूटन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? न्यूटन को। तो यहां से नेट फोर्स आपको कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया। यानी कि जो ये आपका जो ब्लॉक है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्या करने लगेगा, आपका मोशन करने लगेगा। क्लियर हुआ? ये ब्लॉक क्या करेगा, मोशन करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो इन्हीं बलों को क्या, ये दोनों बल क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित बल कहलाएंगे। ठीक है, रीजन समझ में आया? क्योंकि यदि यह किसी वस्तु पर लगेंगे तो उस पर कुल बल क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। कुल बल क्या होगा, जीरो नहीं होगा। और चीजें क्या होंगी, इन जब कुल बल जीरो नहीं होगा तो जो बल बनेगा, जो बल बचेगा, वो क्या करेगा, वस्तु को गति कराएगा। ऐसे ही बल क्या कहलाते हैं, असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, छाप लो। अच्छा, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां से आपको यह बताना है कि यह किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, संतुलित बल का है कि असंतुलित बल का। ये आपकी एक साइकिल चल रही है, मान के चलो कि ये आपकी क्या है, एक साइकिल चल रही है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक साइकिल, ठीक है। ये आपकी साइकिल जो है चल रही है। अब कह रहा है कि यदि यहां पर एक जो पैडल बना रहता है ना, पैडल छोटा सा,
ये जो आपको पैडल बना रहता है, यदि आप कह रहा कि पैडल मारना बंद कर देते हैं, पैडल मारना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो यह गाड़ी जो है, यदि यह साइकिल क्या करती है, कुछ समय बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। उस समय बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। यह आपका फ्रंट व्हील है, क्या है, फ्रंट व्हील है। फ्रंट व्हील का मतलब क्या है, फ्रंट व्हील का मतलब होता है आपका बाहरी पहिया, अगला पहिया। अगला पहिया, पहिया कैसे लिखेंगे, अगला पहिया, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका रियर व्हील, क्या कहलाता है, रियर व्हील मतलब कि क्या है, पिछला पहिया, क्या है, पिछला पहिया, ठीक है। और ये आपका क्या है, पैडल है। ये क्या है आपका, पैडल। अब यदि आपसे कह रहा है कि पैडल आपने मारना बंद कर दिया, यानी कि पैडल पर जो बल लगा रहे हैं वो क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया, तो यह जो साइकिल है यह है आपकी रुक जाती है। तो पहली बात तो रुकती क्यों है, क्यों रुकती है। दूसरी बात आपको यह बताना है कि यदि यह रुक जाती है तो यह किसका एग्जाम्पल है, संतुलित बल का है कि असंतुलित बल का, ठीक है, सोच के बताओ। देखो हो क्या रहा है, देखो मैं बता रहा हूं, हो क्या रहा है कि यदि आप किसी सतह पर चलते हो या कॉपी पर लिखते हो तो क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है, घर्षण बल आपका हमेशा गति की विपरीत दिशा में होगी। यदि मैं आगे जा रहा हूं तो घर्षण बल हमारे पैरों कहां, पहली बात तो घर्षण बल लगेगा कहां, घर्षण बल किन्हीं दो सतहों के मध्य लगता है, कहां पर लगता है, घर्षण बल किन्हीं दो सतहों के मध्य लगता है, ठीक है, क्लियर हुआ। घर्षण बल कहां पर लगता है, किन्हीं दो सतहों के मध्य लगता है। फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो आपका कहां लगता है, बिटवीन एनी टू सर्फेसेस, दो सरफेस के बीच में लगता है। अब होगा क्या ये कि यदि हम चलना शुरू करते हैं तो ये हम तो चलेंगे तो जमीन पर ही ना, तो हमारी जो जमीन हो गई, जो अर्थ हो गई, जो फर्श हो गई, जो सरफेस हो गया, वो क्या हो गया, वो आपकी पहली सरफेस हो गई, ठीक है। दूसरी सरफेस क्या होगी, हमारा पांव, क्या होगा, जो पांव के जो तलवे हैं वो क्या होगी, दूसरी सरफेस। तो यदि हम चलना शुरू करते हैं तो हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि हमारे पांव में और सतह, धरती की सतह के बीच में क्या, घर्षण बल कार्य करता है, क्या कार्य करता है, घर्षण बल। और मैं चल आगे रहा हूं तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे। घर्षण बल के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं, नहीं तो आप चल ही ना पाए, ठीक है। लिखना चाहो तो यहां से लिख लो, घर्षण बल, अब आ गया है तो यहां से बता दें, यह बल सदैव दो सतहों के मध्य कार्य करता है, कार्य करता है। इसकी दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा, इसकी दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है, क्लियर। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स कहां पर लगता है, इट इज एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स
इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, घर्षण बल के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? खुरदुरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सतह खुरदुरी होनी चाहिए। यदि आपका सतह है, आपकी खुरदुरी नहीं होगी, यानी कि जो सरफेस है वो आपकी रफ सरफेस नहीं होगी, तो ना तो आप उस पर क्या करोगे, लिख पाओगे, ना चल पाओगे, ठीक है। तो घर्षण बल के कारण ही हम किसी वस्तु पर, मतलब हम चल पाते हैं, गाड़ियां चल पाती हैं, गाड़ियों पर ब्रेक लगा पाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम इस पर बोर्ड पर मैं क्या कर रहा हूं, लिख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बोर्ड पर और मार्कर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस वजह से हम इनको लिख पा रहे हैं। आप कॉपी पर और पेन पर कैसे, कॉपी पर पेन की सहायता से क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि कॉपी और पेन का जो पॉइंट होता है उनके बीच में क्या कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग लिख पाते। तो घर्षण बल का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको दो चीजें याद रखनी, कौन कौन सी, कि घर्षण बल के लिए क्या आवश्यक है, घर्षण बल के लिए यह आवश्यक है कि दो सतह होनी चाहिए, दो सतह होनी चाहिए, बिना दो सतह के घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। दूसरी चीज, घर्षण बल की जो दिशा होती है, घर्षण बल की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन फोर्स की, वो क्या होती है, मोशन के, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यदि मैं इधर आगे बढ़ूं इस दिशा में, तो घर्षण बल मेरे पीछे दिशा में, इस दिशा में लग रहा होगा। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम अपने मूल क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि साइकिल पर पैडल मारना क्या कर दें, बंद कर दें, तो साइकिल क्या हो जाएगी। पहली बात, साइकिल क्या होगी, देखो, यदि साइकिल पर, आपने देखा होगा कि यदि आप रोड पर साइकिल चलाते हो, पैडल मारना क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, तो कुछ समय बाद आपकी साइकिल क्या हो जाती है, विरामावस्था में आ जाती है। उस समय वस्तु किस में आ जाती है, विरामावस्था में आ जाती है। रीजन क्या होता है कि उस साइकिल पर कुल बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, कुल बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब आपकी साइकिल रुक जाती है, उस समय क्या होता है, आपका वस्तु पर, इस साइकिल पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि जो आपका नेट फोर्स जो साइकिल पर लग रहा है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ मेरे भाई, ये आपका एग्जांपल हुआ संतुलित बल का, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हुआ। किसका हुआ, बैलेंस्ड फोर्स का। कब, जब ये साइकिल रुक जाती है। तो यहां पर आपके दो सॉल्यूशन होंगे। पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर एक, कि जब आपकी साइकिल रुक जाती है, जब साइकिल रुक जाती है, तो साइकिल रुक जाने का क्या मतलब है कि इस साइकिल पर अब कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। जब कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो कैसा हो जाएगा, संतुलित बल का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, संतुलित बल का। तो ये किसका एग्जांपल है, संतुलित बल, संतुलित बल का उदाहरण है, ठीक। फिर दूसरा क्या है कि जब साइकिल आपकी चलती रहती है, जब साइकिल अभी रुकी हुई नहीं है, जब साइकिल चल रही है, जब साइकिल चल रही है, जब साइकिल चल रही हो, तो ये किसका उदाहरण है, असंतुलित बल का। किसका है, असंतुलित बल का। क्लियर हुआ? अच्छा, रीजन समझ में आया। रीजन ऐसा क्यों है कि देखिए, जब आप साइकिल इस दिशा में चल रही है ना, ये साइकिल की गति की दिशा है, ठीक है, साइकिल की गति की दिशा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साइकिल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और इस दिशा में आपकी साइकिल किस दिशा में आ रही है, इस दिशा में, तो आपका फ्रिक्शन बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, यानी कि जो घर्षण बल लगेगा, वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ।
ठीक है। तो जब आपका भाई जब साइकिल क्यों चलती है, क्योंकि जो इस दिशा में जो बल लग रहा है, इस दिशा में जो आप पैडल के जरिए से जो बल लगा रहे हैं वो इस दिशा में अधिक होता है, घर्षण बल क्या होता है कम होता है, तो इस वजह से आपकी साइकिल आगे चलती है। भाई जब आप बल लगा रहे हैं तो आगे तरफ बल हमें ज्यादा मिल रहा है और घर्षण बल बहुत कम होता है, इस वजह से साइकिल क्या होती है आगे चलती रहती है, ठीक है। क्योंकि दोनों बलों का परिणामी बल अभी शून्य नहीं हुआ, कब, जब साइकिल चलती रहती है। लेकिन जब साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स और ये जो आगे डायरेक्शन में जो बल लगता हो क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं, इस वजह से साइकिल नहीं चल पाती है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गति के नियम। गति के नियम, तो हेडिंग डालो गति के नियम, गति के नियम। गति के नियम का क्या मतलब है कि गति के आपकी जितनी भी वस्तुएं हैं यदि गति करती हैं तो उनके कितने नियम दिए गए हैं, तीन नियम दिए गए। जो भी वस्तुएं आपकी गति कर रही हैं उनके कितने नियम दिए गए हैं, तीन नियम दिए गए हैं। तो लिखिएगा गति के तीन नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, गति के तीन नियम होते हैं, तीन नियम होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन हैविंग थ्री टाइप, हैविंग थ्री टाइप्स। गति के नियम के कितने नियम होते हैं, हैविंग थ्री लॉ ऑफ मोशन, थ्री लॉ ऑफ मोशन, ठीक। पहला नियम कौन सा है, गति के तीन नियम होते हैं, पहला है गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को क्या कहते हैं, गति के प्रथम नियम को, गति का जो प्रथम नियम है यह क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है, या जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। इंग्लिश में जड़त्व को क्या कहते हैं, इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक। दूसरा होता है गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, गति के द्वितीय नियम को कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं संवेग का नियम, इसे क्या कहते हैं, संवेग का नियम, एक तरीके से क्या कहते हैं, संवेग का नियम, या करके लिख लो, या इसे क्या कहते हैं, संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो ये कोई तीसरी आता है आखिरी, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या इसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ,
एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। नोट करो तो फिर हम गति के प्रथम नियम की ओर आगे चलें। हेडिंग डालिएगा गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, देखिए ये जो बल थे, ये जो गति के जो नियम दिए गए हैं, इनमें क्या हुआ था कि ये गति का नियम क्या कहता है, गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु आपकी मोशन में है, यानी कि यदि कोई वस्तु आपकी गति कर रही है, यदि कोई वस्तु आपकी गति कर रही है तो वह वस्तु तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ गए कि कोई वस्तु कब तक गति करेगी, कोई वस्तु आपकी तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या आपकी कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहती है, आपकी कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं गति का प्रथम नियम, कि जब तक कि ऐसा, जब तक कि वस्तु पर क्या ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, तब तक वस्तु आपकी गति नहीं करेगी, ठीक है, या यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह रुकेगी नहीं, कब तक नहीं रुकेगी, जब तक कि उसको बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो देखिएगा, लिखिए कि यदि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या कोई वस्तु तब तक गतिमान रहती है जब तक कि इसे बाह्य बल लगाकर रोका ना जाए, ठीक है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्लियर हुआ? यदि आपसे कोई पूछे कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? जब कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या कोई वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके रोका ना जाए, ठीक है। इसी को नियम को क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां पर क्या है कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहती है, ठीक है, एनी बॉडी
विल मूव और विल एनी बॉडी विल मूव until unless if until and unless if no external force is applied on it. Yeah, any body will remain in motion, या कह सकते हैं or any body remains in the motion if there is no external force is applied to stop it. क्या कह रहा है कि किसी वस्तु कोई वस्तु तब तक मूव करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, या कोई वस्तु रिमेन इन द रेस्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट. सॉरी, ठीक है, क्या बोला है कि कोई वस्तु, यदि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है यदि वह तब तक मोशन करेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे रोका ना जाए, ठीक है, या कोई वस्तु तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि वह आपकी कोई क्या करे, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए. जैसे कि आपकी कुर्सी है तो वह रखी हुई है, ठीक है, वह कुर्सी अपने से मोशन नहीं करेगी. कब मोशन करेगी? जब हम उस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे. तो क्या कह रहा है ये नीचे वाला कि एनी बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट, कोई वस्तु तब तक गति विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए. तो कुर्सी आपकी कब चलना शुरू हुई? जब हमने उसको धक्का देना शुरू किया, नहीं तो कुर्सी ऐसे ही रखी हुई थी, यानी कि कुर्सी पर कोई बल नहीं था. लेकिन जैसे ही बल लगाए तो कुर्सी क्या हुई, चलने लगी. अब जैसे मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो, गेंद खेल रहे हो, उधर से कोई गेंद आ रही है, तो गेंद कब तक चलती रहेगी? यदि मान के चलो कि आपकी सतह पर फ्रिक्शन ही नहीं है, जैसे मान के चलो फ्रिक्शन कह दे कि आपकी सतह पर फ्रिक्शन नहीं है, यानी घर्षण बल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपने यदि 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो यदि अब फ्रिक्शन फोर्स आपका ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए था, इसके पीछे किधर लगना चाहिए था, फ्रिक्शन फोर्स आपका इसके पीछे लगना चाहिए था, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स आपका 0 है. तो अब तो आपका नेट फोर्स कितना हो गया, 4 न्यूटन. भाई ये वाला तो फोर्स 0 है ना, तो कुछ नहीं घटेगा, तो 4 न्यूटन का बल रहा. तो अब ये 4 न्यूटन का बल क्या करेगा, इधर से आगे आएगा, ये बॉडी मोशन करती रहेगी, क्योंकि इसके पास हमेशा के लिए कैसा हो गया, 4 न्यूटन का बल लग गया, क्योंकि इसको अपोज करने वाला, इसका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं है. तो यह वस्तु क्या करती रहेगी, मोशन करती रहेगी. अब जब यह वस्तु मोशन करती रहेगी, तो इस वस्तु को यदि रोकना होगा तो क्या करूंगा, यहां पर मैं बल लगा दूंगा कोई, या कोई बैरिकेडिंग लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगी, वस्तु आएगी उससे टकरा कर रुक जाएगी, उससे आगे नहीं जा पाएगी. बात समझ में आया? तो कोई वस्तु कब तक चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए. या कोई वस्तु कब तक रुकी रहेगी, जब तक कि उसको बाह्य बल लगा करके पुनः चलाया ना जाए. जैसे कुर्सी का उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, कुर्सी का आ गया. अब यहां से आपने ये वाला भी एग्जांपल समझ लिया कि ये रुकेगा या चलेगा कब, ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल हम इससे आगे इसका गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे.
ठीक है, उसको संवेग का नियम कैसे कहते हैं, फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ेंगे, तृतीय नियम किसे कहते हैं, और उस पर हम बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।